पालघर जिले के नालासोपारे के तुलिंज पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो आए दिन बंद पड़े घरों का ताला तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया करते थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान देवेंद्र शेट्टी और शेखर नायर के रूप में हुई है, जिन्हें मलाड के मालवनी इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नालासोपारा, विरार और मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने समेत लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों शातिर चोरों ने 10 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 10 चोरी के मामलों का पर्दाफाश किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। तुलिंज पुलिस स्टेशन में अक्टूबर 2021 में एक बड़ा सेंधमारी, जिसको घरपोड़ी बोलते हैं, सेंधमारी का एक बड़ा केस रजिस्टर हो गया था। सेंट्रल पार्क एरिया में एक महिला के घर में दोपहर के वक्त में एक बड़ा चोरी हो गया था। वो चोरी में उसके 13 तोला गहना, टीवी, लैपटॉप और कुछ चांदी के भी गहने चोरी हो गए थे। उसी प्रकार एक 15 दिन पहले प्रतीक नगर एरिया में रात के वक्त एक घरपोड़ी चोरी का गुना हो गया था। उसमें एक मोबाइल डिवाइस और एक मोबाइल फोन चोरों ने घरपोड़ी करके चोरी करके लेके गए थे। ये जो 1.5 साल पहले जो सेंट्रल पार्क की जो घरपोड़ी थी, वो घरपोड़ी को हमारे माननीय पुलिस आयुक्त सर श्री मधुकर पांडे सर, एडिशनल सीपी श्री पाठक सर, हमारे डीसीपी सर और इन्होंने हमको बोला था कि ये घरपोड़ी किसी भी हालत में डिटेक्ट होना चाहिए। इसलिए हमारे डीबी स्क्वाड 1.5 साल से एक चोरी डिटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उन्हें आरोपी कौन है वो काफ़ी दिन पहले ही पता चला था, लेकिन वो आरोपी बहुत शातिर चोर थे। उनके ऊपर पहले भी 10 केसेस थाना सिटी और मेरा भाईंदर वसई विरार एरिया में चोरी के, घरपोड़ी चोरी के ही दाखिल है। वो उनके पीछे थे, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में सफल रहे थे। लेकिन अभी पुलिस को जानकारी मिली तो उनको मुंबई में से दोनों को अरेस्ट किया और दोनों पास से इनको उनका पुलिस कस्टडी लेके तपास किया। तो उसमें से लगभग पूरा सोना और चांदी और टीवी वगैरह जो चोरी का माल गया था वो सब पुलिस ने रिकवर कर लिया है। उसी प्रकार एक 15 दिन पहले जो प्रतीक नगर में जो घरपड़ी हो गई थी, उसी का भी पूरा